हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस चैनल का होस्ट फैजान। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन की जानकारी लेकर आता हूं। इसी तरह मैं आज एक और मेडिसिन की जानकारी लेकर आया हूं, जिसका नाम है रेस्पिलेक्स। आज हम इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इस कैप्सूल की डिमांड उस समय ज्यादा बढ़ गई थी जिस समय कोरोना बहुत ज्यादा पीक पे था। तो आज हम ये जानेंगे क्यों इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके यूजर्स के बारे में जानेंगे, इसके डोजेस के बारे में जानेंगे और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, वरना आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है ज़ुवेंटस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की मात्रा में, और साथ में इसमें दोस्तों लैक्टिक एसिड बैकलस मिल जाता है 5 billion स्पोर्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं ये दोनों सॉल्ट जो है किस तरह से काम करते हैं, इनका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल में जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। बैक्टीरिया को ग्रो होने में या फिर वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने में हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है। ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है उनको प्रोटीन प्राप्त करने से रोकता है, साथ ही ये प्रोटीन को सिंथेसाइज होने से रोकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता और धीरे धीरे जो है खत्म हो जाता है और वो वाइटल फंक्शन जो है हमारे बॉडी में परफॉर्म नहीं कर पाता। इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल में जो दूसरा सॉल्ट है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बैकलस, ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया को रिस्टोर करता है। हम बहुत सारी एंटीबायोटिक खाते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कई तरह के बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो है गुड बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लैक्टिक एसिड बैकलस जो है हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया को रिस्टोर करता है, उनको बनाता है, उनको खत्म होने से रोकता है। और यही कारण है दोस्तों कि इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से ये जान लेते हैं इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग जो है किस किस कंडीशन में किया जाता है। वैसे तो दोस्तों इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग कई तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है, लेकिन उनमें से जो मेन बीमारी में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग सबसे ज्यादा दोस्तों लंग इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उनके छाती में लंग में जो है इन्फेक्शन फैल जाता है, तब उस कंडीशन में इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसको ठीक करने में ये काफी हद तक असरदार भी होता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार उनको पेशाब लगता है या फिर पेशाब करने के दौरान उनको दर्द होता है या फिर पेशाब करने के दौरान जो है उनको ब्लड आ जाता है, तब भी उस कंडीशन में इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खाज खुजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर कोई दूसरे चर्म रोग की समस्या उनको हो जाती है, तब भी उस कंडीशन में इस कैप्सूल को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग दोस्तों STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ये इन्फेक्शन को जो है साफ करता है और साथ ही बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकता है। साथ ही दोस्तों इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग जो है ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन, जिसको हम मेनिनजाइटिस के नाम से बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी के ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी के हड्डी में या फिर ज्वाइंट्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी उस कंडीशन में इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अगर किसी के पेट में या फिर इंटेस्टाइन में अगर किसी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तब भी उस कंडीशन में इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इन सारी समस्या को दूर करने में काफी असरदार होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कैप्सूल जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है तो आप इसका उपयोग इजिली कर सकते हैं। आपको इसका उपयोग ठीक उसी तरह करना चाहिए जिस तरह आपको इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। आपको कभी भी इसका डोज मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी मिस कर जाते हैं तो जब आपको याद आए तब आपको इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल को जो है 16 साल के ऊपर के व्यक्ति को दिन में 2 बार लेने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। कभी भी आपको इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल का उपयोग खुद से नहीं करना चाहिए। जब ये आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा तभी आपको इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सबकी कंडीशन
और सीबीआरटी जो है अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस रेस्पिलेक्स कैप्सूल के उपयोग करने से हो सकता है आपको इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी देखने को मिले जो कि समय के साथ ठीक हो जाते हैं, जैसे कि आपको वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपका जी मचल सकता है या फिर आपको डिजीनेस जैसा फील हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसका उपयोग करने से आपको कोई सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको इस कैप्सूल का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे ये रेस्पिलेक्स नाम से आपको मेडिसिन ना मिले, तो आपको अगर कोई दूसरी मेडिसिन, दूसरे ब्रांड की मेडिसिन सेम कम्पोजिशन के साथ मिल जाती है तो आप वो भी लेकर उपयोग कर सकते हैं। और जो फेमस ब्रांड की मेडिसिन सेम कम्पोजिशन के साथ मार्केट में मिल जाती है वो है डॉक्स SL हो गया या फिर रेविडॉक्स LB हो गया या फिर आपको डॉक्सीपाल DRL के नाम से ही मार्केट में मिल सकती है, तो आपको इनमें से जो भी मिलती है आप वो लेकर उपयोग कर सकते हैं, ये सारे एक तरह ही काम करते हैं। ये स्टेम कैप्सूल रेस्पिलेक्स की जो प्राइस है दोस्तों वो है 91.30 रुपए। समय और जगह के अनुसार इनकी प्राइस जो है वेरी कर सकती है। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।